अस्सलाम वालेकुम, सबको ईद मुबारक। जितने भी अपने अपने और जितने भी यूट्यूब फैमिली, सबको ईद मुबारक है। और दुआ में याद रखिए, तो चांद रात के दिन का है, तो अफ्तार के बाद मैं पहले किचन को सफाई कर रही थी ताकि साफ़ हो जाए तो मैं और भी कुछ बना सकूं। तो मैं किचन साफ़ कर रही, और साफ़ हो गया किचन। तो सबसे पहले मैं इमली की चटनी बना दी हूँ। ये इमली को मैंने गुड़ से बनाया था। इमली को बॉयल के छान के इसको खोला के गाढ़ा किया, इसमें चाट मसाला ऐड किए, वो गुड़ का वो डाला, चीनी डाला, और इस तरह से गाढ़ा बिल्कुल तैयार कर दिया। और फिर मैं पास के मार्केट में निकल गई, कुछ चूड़ी वूड़ी लेना था, तो मैं मार्केट में निकल गई हूँ और ये चूड़ियाँ भी देखने लगी हूँ। अभी मैं जब वापस आ रही थी तो बहुत सारी मेहंदी लगाने लगी। कैसे है काम का? केप चाहिए, केप मेहंदी लगवानी है। कैसे कहाँ से लगवानी है बताओ? ये कैसे एक हाथ का है? कैसे 100 रुपये? वैसे एक हाथ का यहाँ से लगाएंगे आप, यहाँ से, यहाँ हाँ आगे पीछे पूरा लगाएंगे और आपको डिजाइन पसंद आएगा। 100 रुपये? हाँ आप लगवा लो। घर वापस आ गई और नीट एंड क्लीन घर कर दी थी। और फिर मैं बाकी जो बच्चा कुछ है उसको मैं बनाने लगी। सेवैयाँ ने बनाई थी तो मैं सेवई को बना रही हूँ। बाकी सब हो गया थे। और देखिए इस तरह से इमली चटनी जब गाढ़ा हो गया तो मैं इसको अलग से मैं रख दूँगी। फिर एक से इसको कंटेनर में मैं फ्रीज में रख दूँगी ताकि बहुत दिन तक चले, कम से कम 10-20 दिन तक चले। और इधर सेवई को मैं देखिए भून रही हूँ और उसमें बादाम को ऐड करना, तो मैं खोला रही हूँ बादाम को ताकि काटने में आसानी हो। तो बादाम में खोला दी और इधर चीनी चढ़ा दी हूँ सेवई के लिए। और यह सेवैया भी तैयार हो गया है। और देखिए लंबे लंबे मैं काट दी हूँ। इसको गार्निश करने के लिए मैं पहले भी थोड़ा सा डालती थी और बाकी का बच्चा गार्निश के लिए मेरा देखो सेवैया तैयार हो गया है। और फिर मैं दही बड़ा के लिए मैं इसको देखिए को पीस के उड़द दाल को और खूब फेंट के मैं रख दी थी। अब इसको मैं तैयार करूँगी। और इधर मैं बच्चों के लिए चिकन पास्ता बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं चिकन को छोटे टुकड़ों में मैं काट दी हूँ ताकि उसको पास्ता में अच्छा लगे। चिकन छोटा छोटा सा आएगा तो उसको मैरिनेट करना है। तो उसको मैरिनेट करने के लिए पहले मैंने अदरक लहसुन और दही और मिर्च हल्दी सब मसाला को मैं डाल के इसको आधा घंटा या 20 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। सारा मसाला मैं डाला, गरम मसाला है और धनिया पाउडर, नमक, थोड़ा सा कलर भी मैं डाल रही हूँ। तो सबको डाल के मैं 20 मिनट के लिए मैं इसको रख दी थी। अच्छा से मुलायम हो गया तो फिर मैं इसमें एक पैन में बटर डाल करके सारे को मैं डाल दी। पानी नहीं डालेंगे, धीमा कर देंगे, इसी पानी से ये गल जाएगा और इस रोस्ट भी हो जाएगा। थोड़ा तेज़ कर देंगे तो रोस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह ये चिकन को मैं तैयार कर दी थी पहले। और पास्ता बनाने के लिए मैं पास्ता को बॉयल करो चढ़ा दी थी। और ये उसका मैं ग्रेवी मैं तैयार की हूँ। मैं प्याज है, टमाटर है, 2 मिर्च है और काजू लहसुन है, सबको मैं हाफ बॉयल कर दी थी। इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके और इसको मैं उसका पेस्ट बना दी थी। उसके बाद से फिर से मैं इसमें डाली हूँ बटर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दी ताकि कलर इसमें अच्छा है। और इसमें फिर जो मसाला मैं तैयार की थी वो बॉयल किया हुआ उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। धो के पानी में थोड़ा सा डाल दी हूँ। जब जैसी हल्का सा ये सूखने पर आएगा, पक जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसमें पास्ता को ऐड करूँगी।
तो मैं पास्ता ऐड करती हूँ और इसमें सीजनी जो पिज़्ज़ा वाला आता है मैं उसको भी डाल देती। सबको अब मिक्स कर दिए, चिकन भी डाल दी हूँ तो सारे को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। पास्ता को नमक और थोड़ा सा तेल दे के पतीली में ही इसको बॉयल कर दी थी और इधर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ और लास्ट में मैं चीज़ को ऐड करके मैं ढक दूँगी। और बिरयानी भी तैयार हो गया है। तो ये है मेरा चांद रात की तैयारियाँ ईद के लिए। तो अगला व्लॉग ये ईद के दिन का मैं बनाऊँगी कि मैंने हम लोग ने कहाँ गए और क्या क्या खाया, क्या क्या और तैयारियाँ की और नमाज़ के लिए भी गए थे। तो वो सब मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। तो अल्लाह हाफिज़।